हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड देखंतु, आपण मानक पई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तरफ रु नियुक्ति गुड़ी को आसे सारी। जदि ए नियुक्ति गुड़ी को आपण माने क्वालिफाई करूचंती, ताहाले प्रति मंथ्रे 60,000 रु अधिक दरमा पाई परबे। एथि पई कोनोसी एग्जामिनेशन रहिबो नाही, समस्तंकु इंटरव्यू बेसिस रे सिलेक्शन करा जिवो। तो फ्रेंड्स, चालंतु आमे देखिबा ए पदवीटी को अप्लाई करिबा पई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रहिबो, सिलेक्शन प्रोसेस टी किपरि भाबे हेबो, एंड किपरि अप्लाई करिबे आमे ए वीडियो माध्यम रे संपूर्ण भावरे जानिबा। तो फ्रेंड्स देखंतु, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया तरफ रु असिस्टेंट जनरल मैनेजर रो वैकेंसी गुड़ी को आसी जाइछि। एही पदवी गुड़ी को ओडिसा रो समस्त प्रार्थी अप्लाई करि परिबे, एवं उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने अप्लाई करि परिबे। एथि पई प्रति मंथरे 60,000 रु लक्षे 80,000 टंका जाय सैलरी मिलिबो। तो फ्रेंड्स, एहा पर देखिबा पदवी गुड़ी को कौन आसी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर सीई पई हमरो टोटल वैकेंसी रहिछि 26 टी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर रो ईएम पई टोटल वैकेंसी रहिछि 20 टी, एमिति कि टोटल हमरो 46 टी पदवी रहिछि एफसीआई तरफ रो। एहा पर देखिबा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रहिबो। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन बीई बीटेक फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। जदि आपण माने कोनोसी यूनिवर्सिटी रु ग्रेजुएशन सहित बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक क्वालिफाई करथिबे, ताहाले एई पदवी गुडी को अप्लाई करि परिबे। देखिबा पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन मु कहूछि, एठी देखो असिस्टेंट जनरल मैनेजर रो क्वालिफिकेशन रहिछि सीई पई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। बीटेक रे सिविल इंजीनियरिंग करथिले सीई पदवीटी को अप्लाई करि परिबे। एंड असिस्टेंट जनरल मैनेजर रो ईएम पई क्वालिफिकेशन रहिछि बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मेकानिकल इंजीनियरिंग। एहा पोरे देखिबा सैलरी केते मिलिबो। असिस्टेंट जनरल मैनेजर रो सीई पई आपण मानकु प्रति मंथ रे मिलिबो 40,000 रु लक्षे 40,000 टंका चाहि सैलरी मिलिबो, एवं एठी 7टी पे लेवल बेसिस रे आपण मानकु सैलरी मिलिबो। एंड ईएम पई रहिछि प्रति मंथ रे सेम रहिछि 40,000 रु लक्षे 40,000 टंका सैलरी रहिछि। एहा पोरे देखिबा आप्लिकेसन फीस केते लागिबो। देखंतु पिला माने, एठी समस्ते फ्री रे अप्लाई करिबे, कोनोसी एग्जामिनेशन फीस लागिबो नाही। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस किपरि भाबे हेबो, देखंतु पिला माने एठी पर्सनल इंटरव्यू माध्यम रे आपण मानकु सिलेक्शन करा जिवो। जो माने एई पदवीटी को अप्लाई करबा पई योग्य माने सेमानकु एठी पर्सनल इंटरव्यू पई डका जिवो। एहा पर देखंतु इम्पोर्टेंट डेट्स, एठी स्टार्टिंग डेट रहिछि 3 मार्च 2023 एंड लास्ट डेट रहिछि 31 मार्च 2023। 3 मार्च रु 31 मार्च मध्ये ऑफलाइन रे एही पदवीटी को अप्लाई करिवे। एठी एप्लीकेशन प्रक्रियाटी ऑफलाइन ही रहिछि। देखंतु किपरि अप्लाई करिवे ऑफलाइन माध्यम रे मु आपण मानको एठी कहि रखुछि। आम डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइथिबा ऑफिशियल नोटिफिकेशन सहित एप्लीकेशन फॉर्म टी को प्रथमे डाउनलोड करनियंतु। डाउनलोड कर सारिबार परे एही एप्लीकेशन फॉर्म टी को प्रथमे फिलअप करिवे, सीरियल नंबर लिखिबे, नेम ऑफ द एप्लीकेंट फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ मेल की फीमेल लिखिबे, कैटेगरी मेलिंग एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एकेडमी प्रोफेसर एकेडमी क्वालिफिकेशन केबे क्वालिफाई करथिले, को यूनिवर्सिटी रु क्वालिफाई करथिले, केबे पास करथिले, केते वर्षर कोर्स केते परसेंटेज रहिछि एंड फर्स्ट क्लास की सेकंड क्लास सब एठी फिलअप करिवे। फिलअप कर सारिला पारे आमरो एठी एड्रेस टी रहिछि, मु आपण मानकु एठी देखौछि। ए एड्रेस टी माध्यम रे आपण माने सेंड करिवे। एड्रेस टी होउछि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेड क्वार्टर 1620 बरखंबा लेन न्यू दिल्ली। एही एड्रेस माध्यम रे आपण माने सेंड करिवे।
एंड आपण मानकर पोस्टिंग टी केउडी हेबो देखंतु पिला माने ऑल इंडिया बेसिस रे लोकेशन रहिची जेमिति कि हमर ओडिसा पिला माने जदि अप्लाई करूचंती ताहाले एठी आपण मानकर भुवनेश्वर रे पोस्टिंग टी निश्चय हेबो एमिति कि ऑल इंडिया बेसिस रे नियुक्ति गुडी को रहिची। जदि आपण मानकु हमर ई इन्फॉर्मेशन टी भलो लागिता है ताहाले हमर चैनल टी को निश्चय सब्सक्राइब करिवे। जय जगन्नाथ।